राजधानी दिल्ली में लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। दिल्ली में अभी भी ओवरऑल AQI का स्तर 396 बना हुआ है। हालांकि कई इलाकों में अभी भी गंभीर श्रेणी में प्रदूषण का स्तर है, तो वहीं मौसम विभाग के अनुसार बारिश होने के आसार हैं, जिससे प्रदूषण के स्तर में गिरावट आ सकती है और दिल्ली वासियों को राहत मिल सकती है। दिल्ली सरकार भी प्रदूषण पर लगाम लगाने की कोशिश में जुटी है। मौजूदा प्रदूषण की स्थिति पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता देवेश कुमार। राजधानी दिल्ली में हवा लगातार जहरीली बनी हुई है। हालांकि कोशिश सरकार कर रही है कि किसी भी तरह इस बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लग सके, लेकिन उम्मीद आज थी कि कहीं ना कहीं बारिश होगी। हालांकि मौसम जो है वो अभी बना हुआ है, आसमान में अगर देखें तो बादल आपको नजर आ रहे होंगे और मौसम विभाग ने भी अनुमान जताया था कि 27 नवंबर को बारिश के आसार है, जिससे प्रदूषण से राहत मिलेगी। दूसरी तरफ सरकार भी अपनी तमाम कोशिशों में जुटी हुई है। आपको दिखा देते हैं, सड़कों पर जो है इस तरह का छिड़काव जो है आपको राजधानी दिल्ली में होता हुआ नजर आएगा और इसके जरिए भी कोशिश यही है कि किसी भी तरह जो प्रदूषण है उस पर लगाम लग सके, जो हवा में जो डस्ट होते हैं, जो प्रदूषण के कण हैं, उन पर लगाम लग सके। तो इस तरह की जो एंटी स्मॉग गन है आपको दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आ जाएंगी। इसका भी एक कारण है कि जो सड़क पर जो डस्ट होती है वो ना उड़े, साथ ही साथ जो हवा में जो डस्ट होती है वो नीचे चली जाए। तो कोशिश सरकार कर रही है विंटर एक्शन प्लान के तहत कि जो प्रदूषण है उस पर लगाम लग सके। दूसरी तरफ मौसम विभाग ने भी अनुमान जताया है कि आज यानी 27 नवंबर या 28 नवंबर को बारिश के आसार है, जिससे दिल्ली वासियों को इस दम घोटू और जहरीली हवा से निजात मिल सकेगी। अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो अभी जो है AQI का लेवल राजधानी दिल्ली में ओवरऑल 396 बना है। हालांकि अलग अलग इलाकों में AQI का लेवल अलग अलग कैटेगरी में है, गंभीर श्रेणी में कई इलाकों में है, लेकिन मौसम की अगर बात करें, अगर हवा चलती है और बारिश होती है तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली वासियों को जो प्रदूषण की मार झेलनी पड़ रही है उससे निजात मिल सकती है। तो कोशिश सरकार की है, लेकिन जो प्रदूषण का लेवल है वो भी आपको बता देते हैं। राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, अलीपुर में अभी 413 बना हुआ है जो कि गंभीर है, शादीपुर में भी 384 है, साथ ही साथ ITO की अगर बात करें तो 437 बना हुआ है, मंदिर मार्ग 380 है, RKpuram 416 है, जबकि पंजाबी बाग 440 है, आया नगर में 353 है, लोधी रोड 344 है, नॉर्थ कैंपस यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय की बात करें तो 409 है, तो IGI एयरपोर्ट पर 374 है। तो लगातार जो प्रदूषण है वो बना हुआ है, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें हो रही हैं कि किसी भी तरह इस दम घोटू प्रदूषण से निजात मिल सके। दूसरी तरफ मौसम विभाग ने भी अनुमान जताया है कि आने वाले दिनों में हवा चलेगी और बारिश के आसार है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों को उम्मीद है कि जैसे ही मौसम बदलेगा तो इस दम घोटू और जहरीली हवा से निजात मिल सकेगी। कैमरामैन शूरवीर के साथ देवेश कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।